नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर फोर है। तो पेपर फोर आप सबको पता है महिला शिक्षा है और वस्त्र अलंकरण है। तो वस्त्र अलंकरण जो सिलेक्ट किए हैं वो वस्त्र अलंकरण पढ़ेंगे और जिनका महिला शिक्षा है वो महिला शिक्षा पढ़ेंगे। अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुका है। और जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं मिला है वो उनको तो पता ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वही होगा। ठीक, तो आप सब उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आपका पेपर वस्त्र अलंकरण है और आप तैयारी कर रहे हैं महिला शिक्षा, ऐसा बिल्कुल ना होने पाए। ठीक, जिसका पेपर है जो वही तैयारी करें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके सिलेबस के ही अनुसार है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसके बारे में पढ़ना है हम वही ही डिस्कस करते हैं। ठीक, क्योंकि वह सिलेबस से मैं सिलेबस पहले देखती हूँ, फिर जहाँ से मुझे प्रश्न जो दिखाई देता है वो कवर करती हूँ। जैसा कि कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि मैम क्या ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो है, क्या नाम है, फर्स्ट सेमेस्टर का है लिंग और विकास का, तो जी हाँ बच्चों वो प्रश्न इसी का था। ओके, पहले आप अपना सिलेबस देख लें। आपके पास कोई भी बुक हो, जैसे कि बीए की है और भी कई बुक हैं, जैसे सोशल साइंस में भी कहीं कहीं दिया गया है महिला शिक्षा से संबंधित प्रश्न, टीजीटी पीजीटी में है और यूजीसी नेट में है। तो जो बच्चे इतना आपके पास टाइम है नहीं कि आप ढूंढें, फिलहाल आप सबके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, ढूंढ के प्रश्न लाते हैं आपको। ठीक, क्योंकि पेपर में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए और आप सबका पेपर बहुत अच्छे से हो, इसलिए आप सब जो पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अन्य कानूनों में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपाय भी शामिल हैं। मैंने कुछ कानून बताए थे, नियम बताए थे, योजनाएं बताई थी, जो नहीं देखे हैं जाकर के देख लें। महिला शिक्षा से संबंधित हैं ये सभी, ये कानून कौन कौन से हैं ये भी जान लें। ठीक, ये बीच में स्किप हो गया था, तो ये आप सबसे पहले इसीलिए मैंने शामिल किया है। अगर आ जाता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1948, ये सन याद रखना। ठीक, क्योंकि पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। जो ये है भारतीय तलाक अधिनियम सन 1896 में पारित हुआ था। ठीक, जो विशेष विवाह अधिनियम सन 1954 में। ठीक, पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, इससे पहले लाइक कर दीजिए। आप सब लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो मुझे खुद ही नहीं पता है, क्योंकि हम तो पूरा प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, और टाइम कम रहता है इसलिए बहुत फास्ट होता है वीडियो, इसलिए बोलते भी हैं कि दोबारा से देख लेना जिसको नहीं समझ में आता। ठीक, डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके फिर से देखें, और बीच में बिल्कुल स्किप मत किया करें। ठीक, क्योंकि समय बहुत कम है, आपका पेपर नज़दीक है। तो पहला है आपका कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो 1948 में पारित हुआ, बागान श्रम अधिनियम जो 1951 में पारित हुआ, और वहीं बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जो था वो 1976 में। ठीक, कानूनी चिकित्सा महिला अधिनियम, ये सब मैंने पढ़ाया, कानूनी चिकित्सा महिला अधिनियम सन 1923 में पारित हुआ था, और भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम सन 1925 में पारित हुआ था, भारतीय तलाक अधिनियम सन 1896 में, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 में, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में, और वहीं विदेशी विवाह अधिनियम जो था 1969 में पारित हुआ था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 1872 में, और वहीं पर हिंदू दंतक ग्रहण और रख रखाव अधिनियम 1956 में। दंतक रख रखाव, ये दंतक जो दंतक पुत्र लिया जाता ना, रानी लक्ष्मीबाई ने दंतक पुत्र लिया था। ठीक, वन मिनट, आगे बढ़ते हैं। भारत में इतने सब कानूनों के बावजूद महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है। आपको पता है इंडिया में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, फिलहाल काफ़ी सुधार हुआ है। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाओं को पुरुष की पैरों की जूती के बराबर माना जाता है, क्योंकि पुरुष के ऊपर डिपेंड रहती हैं, वो सेल्फ डिपेंड बनती नहीं है, इसीलिए वो पैर की जूती ही समझी जाती हैं। ऐसा आप सब बिल्कुल मत करना, किसी की पैर की जूती नहीं बनना है। आप सब स्वयं ही इतने कॉन्फिडेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब आगे कुछ करेंगे। ठीक, टारगेट रखें और
इसका मुख्य कारण महिला शिक्षा और अपने जो अधिकार हैं, अधिनियम हैं, इन सब के बारे में ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं में वही जाने। हर एक महिला के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो अपने अधिकार को जाने, अपना हक जाने। ठीक, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है। ठीक बच्चों, लाइक शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में दिया गया है, 9 नंबर का है। ठीक, 9 नंबर दिया गया है, इससे संबंधित महिला सशक्तिकरण से संबंधित 9 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब उनके ऊपर है कैसे कैसे प्रश्न देते हैं, शॉर्ट लॉन्ग कुल मिला के 9 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक, महिला सशक्तिकरण से। ठीक, तो महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य संबंध बताना है, इसके इन दोनों के मध्य क्या संबंध है। ठीक, महिलाओं की शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य गहरे संबंध होते हैं, क्योंकि आज के युग में शिक्षा के बच्चों अगर नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से दिखाई दे, और समय कम रहता है तो नहीं दिख रहा, पर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, आज के युग में शिक्षा के बिना कोई भी महिला ना तो अपने अधिकारों की पहचान कर उसकी मांग कर सकेगी, और ना ही अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वाहन ही कर सकेगी। महिला शिक्षा सशक्तिकरण के मध्य व्याप्त संबंध निम्नवत है, जैसे कि महिला शिक्षा, पहला है, पहला याद रखना, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य संबंध इसलिए भी है कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। जो महिला सशक्तिकरण है वो आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है, जबकि शिक्षा जो है वो भी महिलाओं को कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंड बनाने की शिक्षा देती है। ठीक, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण दोनों ही किसी एक क्षेत्र में महिलाओं के विकास की प्रमुखता न देकर सभी क्षेत्रों में विकास की बात करते हैं। जो आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं महिला सशक्तिकरण के द्वारा, वो महिला शिक्षा के द्वारा भी होता है। ठीक, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का प्रजातांत्रिक प्रणाली में भी योगदान बढ़ता है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में योगदान बढ़ रहा है महिला शिक्षा के द्वारा तथा सशक्तिकरण के द्वारा। ठीक, अशिक्षित महिला का सशक्तिकरण मुश्किल होता है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा सशक्तिकरण के लिए आंतरिक गुणों के को बाहर निकालना होता है। अगर शिक्षा आपके पास है तभी आप सशक्तिकरण आत्मनिर्भर बन सकेंगी, और कुछ भी है जैसे नियम कानून वगैरह योजनाएं, इन सभी का लाभ भी उठा सकेंगी, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा, आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी तो आप इन सभी का लाभ बिल्कुल नहीं उठा सकते। ठीक, आज की महिला, सॉरी बच्चों, आज की महिला सशक्त कहीं जा सकती हैं जो शिक्षित हैं, क्योंकि शिक्षा महिलाओं की कुशलता लाती है, जिससे नए नए अवसरों के मार्ग खुलते हैं। ठीक, महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा ही महिलाएं देश तथा विदेश में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो रही हैं। ठीक, अभी लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो बनता ही है, तो अभी जल्दी से एक लाइक करें, आगे बढ़े। ठीक, लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सशक्तिकरण के मध्य, ये अभी आपका क्लियर हो चुका है, जिनको नहीं दिखाई दिया था यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चों, जो आप पीडीएफ रटते रहते हो ऐसा नहीं है, फिलहाल आप सब ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक, तब भी प्रॉफिट होगा। 7 नंबर है, महिला शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं सशक्त होंगी, क्योंकि वे अपने अधिकार, अस्तित्व की रक्षा तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी अपनी भूमिका के महत्व से अवगत होंगी। ठीक, इन सभी में अपनी भूमिकाएं समझेंगी, इन सभी से अवगत होंगी, अर्थात महिला शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और महिलाएं सशक्त होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य इसलिए भी संबंध है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा महिलाओं के विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जिससे वे सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होती हैं। महिला शिक्षा के द्वारा स्त्रियां अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह भली प्रकार करती हैं, जिससे क्या होता है, परिवार तथा समाज में वे सशक्त बनती हैं। ठीक, शिक्षा के द्वारा ही आज विविध क्षेत्रों में महिलाएं अपनी कार्य क्षमता, नेतृत्व शक्ति का तथा प्रबंधन गुण के कारण सशक्त बन रही हैं। ठीक, शिक्षा के द्वारा महिलाएं घर परिवार पर बोझ न बनकर अर्थोपार्जन कर रही हैं, जिससे वे सशक्त बन रही हैं और लिंगीय भेदभाव में कमी आ रही है। ठीक, महिला शिक्षा के द्वारा महिलाएं आत्मरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कानूनी प्रावधानों से अवगत होती हैं, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी सशक्त भूमिका निभाती हैं। ठीक, महिला शिक्षा
सशक्तिकरण के मध्य इस प्रकार प्रगढ़ संबंध है क्योंकि आज महिलाओं की सशक्त बनाने के लिए उनकी शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता है। यह भी सत्य है कि सदैव शिक्षित महिला सशक्त नहीं होती हैं और सशक्त हों आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ के अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश महिलाएँ जो सशक्त होती हैं उनकी इस सशक्तता के पीछे उनकी शिक्षा का बड़ा ही हाथ होता है। आज यह बात सबके द्वारा स्वीकार की जा सकती है कि यदि किसी महिला को सशक्त बनाना है तो उसे धन तथा भूषणों की आवश्यकता नहीं है, ठीक, अपितु उसे शिक्षा दिलानी चाहिए। महिला सशक्तिकरण हेतु सरकारों द्वारा महिला शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं भी क्रियान्वयन किया जा रहा है, चाहे वो महिला समाख्या लोक जुम्बिस कार्यक्रम हो या कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना हो। इस प्रकार महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य व्याप्त अंतर संबंध को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझ सकते हैं, ठीक। तो आइए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी करके याद कर लेना। आईएमपी क्वेश्चन ये 100% पूछा जाएगा, ये भी एक टॉपिक है आपके पेपर में, सिलेबस में 9 नंबर के ये भी टॉपिक हैं, ठीक, 9 नंबर है। तो फिलहाल हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत फास्ट कवर करेंगे, ठीक, क्योंकि अगर कुछ देखेंगे पढ़ेंगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर लेना, ठीक। घरेलू हिंसा क्या है, इसके प्रकार और कारणों की विवेचना। जो घरेलू हिंसा होती है ये क्या है, इसके प्रति कारण क्या हो सकते हैं, इनके प्रकार क्या हो सकते हैं, ठीक, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों नॉर्मल भाषा में जानते हैं घरेलू हिंसा वही होती है जिस पर जो हिंसा महिलाओं के ऊपर घर में प्रताड़ित की जाती हैं, महिलाएं यौन शोषण किया जाता है, कई दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ही दहेज से संबंधित कई प्रकार की जो रहती हैं घर में महिलाओं के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं, वही घरेलू हिंसा कहलाती है, ठीक, नॉर्मल भाषा में। आइए आप जानते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग घरेलू हिंसा अधिनियम, सॉरी बच्चों 1 मिनट, घरेलू हिंसा अधिनियम के अनुसार घरेलू हिंसा का अर्थ घरेलू संबंध में किसी महिला का को नुकसान पहुंचाना या घायल करना है। इसके दायरे में शारीरिक यौन मौखिक भावात्मक और आर्थिक शोषण शामिल हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार में न केवल वास्तविक दुर्व्यवहार बल्कि दुर्व्यवहार की धमकी भी शामिल है, ठीक। महिला या उसके रिश्तेदारों को गैरकानूनी दहेज की मांग के परिणाम स्वरूप होने वाला कोई भी उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत परिभाषा में के अंतर्गत आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम मुख्य रूप से पत्नियों या महिला लिव इन पार्टनर्स को पति या लिव इन पार्टनर सहित उनके रिश्तेदारों के हाथ घरेलू हिंसा से बचाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2A और 1 पीड़ित व्यक्ति को किसी भी महिला के रूप में परिभाषित करता है जो अपराधी के साथ घरेलू संबंध में है या रही हैं और जो घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य के अधीन होने पर का आरोप लगाती हैं। घरेलू हिंसा नियम में न केवल उन महिलाओं को कवर करती है और जो दुर्व्यवहार करने वालों के साथ रिश्ते में हैं या रही हैं, बल्कि उन महिलाओं को भी कवर करता है जो एक साझा घर में एक साथ रहती हैं और रक्त संबंध विवाह या विवाह की प्रकृति के रिश्ते के माध्यम से माताओं बहनों या विधवा सहित गोद लेने से संबंधित हैं। अब आइए जानते हैं महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के प्रकार। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं, ठीक, जैसे शारीरिक है, यौन मौखिक और भावात्मक शोषण से लेकर आर्थिक शोषण तक। ये निम्नलिखित प्रकार के, जैसे शारीरिक है ना, प्रताड़ित की जाती, पीटी जाती हैं, मारी जाती हैं, मौखिक जो गालियाँ दी जाती हैं, भावात्मक रूप से शोषण करना, आर्थिक रूप से, ठीक, और यौन शोषण करना, ठीक। शारीरिक शोषण, जैसे शारीरिक शोषण महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला शारीरिक शोषण होता है, ठीक। घरेलू हिंसा अधिनियम में परिभाषित किया गया है कि क्या होता है कि 1 मिनट बच्चों, कि इसके कोई भी कार्य शामिल है जो पीड़ित के जीवन अंग या स्वास्थ्य या विकास के लिए शारीरिक दर्द या खतरा पैदा करता है। हमेशा आपराधिक बल और आपराधिक धमकियां शारीरिक शोषण के रूप में आती हैं। यौन शोषण, जैसे महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण यौन प्रजनन संबंधी दबाव को प्रकृति का है, ठीक, दबाव की प्रकृति है, सॉरी बच्चों यहाँ आकृत होगा, आमतौर पर
इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा है मौखिक और भावात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण, और यहाँ पे भारत में घरेलू हिंसा के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, हेडिंग हेडिंग जान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आपको, ये घरेलू हिंसा के प्रकार हैं। कौन कौन से बताए थे? पहला, ऐसे हेडिंग डाल के लिख लेना, घरेलू हिंसा में पहला आता है शारीरिक स्वास्थ्य पर, यौन हिंसा, ठीक, मौखिक, भावात्मक और शोषण के से लेकर आर्थिक शोषण, ये दहेज भी लिख लेना। ठीक, वन मिनट। फिर उसके बाद आता है आपका घरेलू हिंसा के कारण क्या हैं। तो घरेलू हिंसा के कारण सामाजिक होते हैं, व्यवहारिक कारक भी होते हैं, ऐतिहासिक कारक भी होते हैं, धार्मिक कारक भी होते हैं। ठीक, और उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारक होते हैं, और नेक्स्ट है दहेज। यही इतना था आपकी इसमें, ठीक, घरेलू हिंसा में। तो IMP करके ये याद कर लेना, ठीक, घरेलू हिंसा से प्रश्न ज़रूर बनेगा। तो जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, और लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर तो बनता ही है बच्चों, लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी कामना है।